हेलो एवरीवन, तो आज फिर आ गया मैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन एक मिनट, चलो मेरे को ये समझ नहीं आता है कि राजकुमार हिरानी की पिक्चर के राइटर कौन सा सस्ता नशा करके स्टोरी लिखते हैं। साला मुन्ना भाई ने अपनी जगह किसी और को MBBS पेपर की एंट्रेंस देने भेजा, हम गए थे तो सालों ने मेटल डिटेक्टर, जैमर, आग नाग मुंह सब चेक किया। इनका बस चलता साला गांड हटा के चेक करते हैं कि कोई कुछ लेके तो नहीं आया। शायद वहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा हो, कोई स्टार किड संजय दत्त, सुनील दत्त का बेटा, हम मिडिल क्लास छोटा आदमी। साला नेपोटिज्म कहाँ नहीं है। अगर आप किसी VIP एंट्री में जाओगे तो किसी VIP के बच्चे को फ्री में एंट्री दे दी जाती है, और फिर मिडिल क्लास अपने फ्रस्ट्रेशन को कैसे निकाल। यही कह रहे हैं, मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं चूतिया होता है, चूतिया। अब चाहे बहन चो तुम्हें कितना भी टैलेंट हो, यहीं पैदा हो यहीं निपट जाओगे। सही बात बोले ना रहे हैं। अबे गांड ना फुला, मार चोट देंगे तुम्हारी भोसड़ी के, पैसा बताओ कितना हुआ। आज के टॉपिकों की तरफ देखते हैं, पहला लॉकडाउन, दूसरा नेपोटिज्म। पहले लॉकडाउन को तो लपेटे, नेपोटिज्म भी आएगा। अभी हर तरफ नुकसान ही नुकसान थी, पर साला मेरा पर्सनल एक छोटा सा फ़ायदा किया है। मुझे अब जाके पता चला कि मेरे पीछे वाले घर में 6-6 लड़कियां रहती है। पूरे साल भर में मैं घंटा भर भी छत पे नहीं रहूँगा। अब साला हर रोज़ कम से कम घंटा भर तो छत पे रहता हूँ। कॉलेज का पंडा और लॉकडाउन में पुलिस का डंडा, साला दोनों का स्वाद चखा मैंने। कसम से माँ कसम बता रहा हूँ, दर्द उस टाइम नहीं होगा जब पड़ेगी, दर्द उस टाइम होगा जब रात को आप बैठेंगे और आपकी शेप यू से यू हो जाएगी। लॉकडाउन में कुछ लोग पुलिस का एक डंडा खाने के बाद ऐसी हरकतें करते, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। और फिर कुछ टिकटॉक के चूतिए भी तो रोड पे वीडियो बनाने निकलते हो, उनका भी ये हाल होता है। ओ भाई कहाँ जा रहा है तू, भी चल, बाहर पुलिस घूम रही है, मारेगी भाई को, कंटा फरकने पड़ना। A few moments later, क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लॉकडाउन के दौरान पड़ोस वाले चचा बोले, मोदी जी ने थाली बजाने को बोली, हमने बर्तन तोड़ दिए। मोदी जी ने दिए जलाने को बोले, हमने दिवाली मना ली। अब मोदी जी घर को सैनिटाइजर करने का भी बोलो ना चाचा। ओ भोसड़ी वाले चाचा, मोदी जी को तो पता ही है कि इन लोगों की गांड जलती रहती है, इनकी गांड की जलन से दुनिया जलना उठे, इसलिए मोदी जी ने सैनिटाइज करने को नहीं बोला। वैसे तो लड़के को देख के उसकी उम्र और लड़के को देख के उसका फिगर मैं एक सेकंड में बता देता हूँ, पर कुछ ऐसे चूतिए हैं ना तो इनकी उम्र बता सकता हूँ ना इनका फिगर, चलो खुद कन्फ्यूजन में हूँ क्या बताऊँ। साला नेपोटिज्म का सबसे बेहतर एग्जांपल इन्हीं की बॉलीवुड मूवी देती है, साला ओम ओम शांति ओम जाके देखो यार तुम। ओम शांति ओम में क्लियर बता रखा है कि जब शाहरुख खान एक गरीब बच्चा होता है तब उसको कुछ नहीं मिलता है, बट जब वो किसी डायरेक्टर का बेटा पैदा होता है तब सब कुछ होता है उसके पास, सब कुछ। क्या कैसे? अनन्य पांडे ने बोला कि मेरे पापा ने इस एक्टर और इस एक्टर की मूवी में काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। अबे तो ऐसे तो बिल गेट्स ने भी सुखाड़े में बर्गर नहीं खाया, तो उसने खाने के लिए स्ट्रगल किया। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर। साला इन्हीं की 10 में से 90% मूवीज ये चीज़ बता देती है कि लड़के और लड़की को एक्टर बनने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। 90 में से 9% तो मैं सच मानूंगा, तुम खुद सोच लो क्या कर रहे हो। मेरे सनम की पहली नशानी, मेरे सनम की पहली नशानी, हाथों में डोरा उड़ा सा पतंग कोई देख। आओ यार तो टॉप की एक्ट्रेस का तुमको टैलेंट दिखाता हूँ। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा, संभल जाओ समझ जाओ, तुमको अपनी औकात याद दिलाओ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।